हम हैं किंग्स रोड पे, क्योंकि हम सुबह से किंग्स रोड पे ही हैं। हाँ, आईवी चेल्सी गार्डन है किंग्स रोड पे, और ये एक पॉश एरिया है कि लंदन का, और यहाँ पे बहुत सारे लोग शॉपिंग करने या वॉक करने, कुछ बना कुछ करने आए ही रहते हैं। और हम खाना खाने आए थे। हाँ, हम खाना खाने आए थे, अब हम यहाँ थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं इधर उधर। थोड़ी धूप हो रही है, ये वाली मार्केट सीधा आ जाना है। इस मार्केट में अच्छी वाइब्स होती है। हाँ, ड्यूक ऑफ यॉर्क स्क्वायर है ये। बहुत खाली है क्योंकि वीकडे है, वरना तो इतना रश होता है वीकेंड पे, तो हाँ बहुत क्राउडेड होता है। और हाँ, अगर आपने हमारी रील देखी हो, कॉम्प्टियर था ना वो, कॉम्प्टियर की वो यहीं की है, कॉम्प्टियर यहीं पे ही है, वो वाला लेबनीज फूड का वो यहीं पे ही है, हम उसमें ही खा के गए थे। थोड़े दिन बाद हम आ ही जाते हैं इस एरिया में, हम सारे एरिया में हर थोड़े दिन बाद चले ही जाते हैं, पर हम सेंट्रल लंदन में काफी आते हैं वैसे घूमने, घर के पास है तो। और ये किसी ने अपना डेकअप किया हुआ है, जो उधर लिखा था ना फेस्टिवल। हाँ, ये लंदन कैंसिंगटन एंड चेल्सी फेस्टिवल था कुछ, आर्ट एंड क्राफ्ट का थिंग्स लास्ट करके क्या लिखा था वहाँ पे, ऑल थिंग्स मस्ट पास, 50th एनिवर्सरी है जॉर्ज हैरिसन की एल्बम कवर, ऑल थिंग्स मस्ट पास का। अच्छा, कोई बुक थी क्या एल्बम कवर? एल्बम कवर तो मतलब म्यूजिक की वो होती है, सीडी या कुछ। ये अंकल दिखा दो, सर हैंस स्लोइन, इन्हीं के नाम पे स्लोइन स्क्वायर का नाम पड़ा इस एरिया का। छोटे छोटे से यहाँ पे गैलरी है जिसमें हम नहीं गए कभी, और यहाँ पे वीकेंड पे वो होता है ना, वीकेंड पे अंदर मार्केट लगती है, फूड मार्केट लगती है। हाँ, यहाँ पे एक फूड मार्केट और कुछ कुछ लगता है, हम उसमें आए थे। इस गैलरी के अंदर तो हम कभी नहीं गए, नहीं गैलरी में तो कभी नहीं गए, बाकी ये बस गार्डन सा है यहाँ पे। हाँ, और ये लगा छोटे नाला तो हमारी रील है, अभी दिख नहीं रहा होगा अभी। हाँ, थोड़ा आगे जाएंगे, ये यहाँ पे अलग अलग शोरूम्स, और यहाँ इतनी भीड़ रहती है ना सैटरडे संडे को, लाइनें लगती हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। देखो ये जो सारा अभी ओपन है, ओपन सिटिंग का, इसमें बहुत भीड़ लगती है। आज सिर्फ आंटी अपनी किटी पार्टी और अंकल आंटी अपने लंच डेट। हाँ, यहाँ लंच डेट पे बहुत आते हैं ना लोग, तो उसके लिए आए हैं। फैमिली मीटअप और फैमिली कैचअप यहाँ पे कल्चर बहुत है। हाँ, बच्चों के साथ मिलने के लिए एक डे प्लान करके और फिर जाते हैं लोग बाहर। हाँ, और सामने रहा कॉम टॉयर, ये अच्छा एरिया है, हैपनिंग एरिया है, आज तो वीकडे है तो। हाँ, यहाँ बड़ी शांति है। वो जो स्क्वायर दिखाया है वहाँ पे जैसे कोई गाना गा रहा होता है, कुछ परफॉर्मेंस हो रही होती है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही है हमेशा वीकेंड से। तो हेलो अगेन गाइस, हेलो, और ये देखो बर्थडे मेरा, और नितेश ने अपने कपड़े चेंज कर लिए, ये होते हैं टशन। और ये रही नितेश की सॉक्स, तो अब इन सॉक्स के बारे में नितेश ही बताएगा कि क्या स्टोरी है इन सॉक्स के। सो ये सॉक्स मुझे गूगल ने भेजी हैं, हो गए आई थिंक 3-4 महीने हो गए ये सॉक्स आए हुए, तो गूगल मैप से मैं काफ़ी अपडेट करता रहता हूँ, लाइक रिव्यूज़ डालता रहता हूँ जगहों के, और अगर कोई मैप में एडिट है, लोकेशन का गलत डाला हुआ है तो उसका एडिट करना, रिव्यूज़ डालना, और भी कुछ कुछ चीज़ें मैं करता रहता हूँ गूगल मैप पे। तो उसके लिए मेरा आई थिंक अब लेवल 7 पे हूँ मैं, तो इन्होंने सेलिब्रेट किया होगा और मेरे को ये सॉक्स भेजी, तो ये गूगल की सॉक्स हैं।
एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब मैं तो ऐसे ही डालता था टाइम पास के लिए, बट ये आया। और ये एक रो है जो हमें काफ़ी पसंद है, ये लेन, और यहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स हैं और डेकअप भी पूरा अच्छे से किया हुआ है इन लोगों ने। ये एक फ्लावर शॉप जो बहुत अच्छी लग रही है। और अब हम यहाँ पे ऐसे ही वॉक कर रहे थे क्योंकि नथिंग, तो हम बस वेदर एंजॉय कर रहे हैं आज, क्योंकि सनी अब बिल्कुल भी नहीं है, तो बस इधर उधर घूम रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं। और ये हैं यहाँ के कुछ सुंदर घर जो मुझे काफ़ी पसंद हैं क्योंकि पूरे रेड होते हैं तो काफ़ी यूनिक लगते हैं ये। तो अब हम यहाँ से वॉक करके जा रहे हैं नेक्स्ट रेस्टोरेंट, और ये है हमारा रास्ता पूरा का पूरा। ये है चेल्सी ब्रिज और ये यहाँ की गंगा। हाँ, और उधर दूर आपको एक और ब्रिज दिख रहा होगा, वो एल्बर्ट, विक्टोरियन एल्बर्ट ब्रिज, और वो सामने पगोड़ा टाइप है, वो एक पार्क है, ये पूरा पार्क का एरिया है। और वहाँ से एक ट्रेन भी जा रही है ब्रिज के ऊपर से, थेम्स के ऊपर जो ब्रिज है उससे। हाँ, ट्रेन का अलग ब्रिज है, हम अलग पे चल रहे हैं। यार ये गाड़ियाँ जा रही हैं, हम जा रहे हैं। बहुत शांति है आज, मैं भी क्योंकि वीकेंड नहीं है इसलिए सब शांत एकदम। अब हम यहाँ पे घूमते घूमते आए बेटर सी, और ये देखो ये घर हमें दिखे यहाँ पे, बहुत ही अच्छे फ्लैट्स लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है ये कोई क्रूज शिप है, अलग ही एरिया लग रहा है तो मुझे। हाँ, और हम बेटर सी साइड कभी भी नहीं आए इस साइड तक पैदल चल के, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है वॉक करते करते हम। हाँ, हम इस साइड नहीं आए कभी लंदन की, चेल्सी तक ही वैसे आए हम। क्या रहने के लिए भी, क्योंकि ऑफिस दूर है हमारे, यहाँ से पढ़ेंगे, बट देखो ना अच्छा लग रहा है। मैं कह रहा था ना बेटरसी पास स्टेशन, बेटरसी पास स्टेशन सर्कस वेस्ट विलेज, मुझे नहीं पता था मैंने यहाँ पे बुकिंग करी है। आज हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है कि हमें पता ही नहीं था कि हमने अच्छा रेस्टोरेंट्स बुक किए हुए हैं और हमें पता नहीं है कि वो हैं कहाँ, क्या है। वो पावर स्टेशन का हेरिटेज है पूरा, वो देखो पहले का पूरा लेआउट वगैरह, अभी का साथ में पावर स्टेशन का भी है। तो अब हम यहाँ आ गए, और मतलब मैं तो कभी आया नहीं यहाँ पे, तो अच्छा था। देखो वीकडे में निकलना बिल्कुल नहीं होता, और यहाँ पे आज जब हम निकले हैं, ओ इसमें आने अभी हमें सिनेमन किचन, अभी तो पूरा खाली है, अभी के लिए थोड़ी देर की बुकिंग है, बट ये एरिया एक्सप्लोर करने आ गए, और आई थिंक ये अच्छा डिसीजन रहा कि हम आ गए पहले ही। द टर्बाइन थिएटर, आई थिंक ये एरिया हमें फिर से अच्छे से आना पड़ेगा इसे तो घूमने, ऐसे तो आज भी टाइम है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये यहाँ पे आके, ऐसी नई जगह आके मेरे को काफ़ी एक्साइटेड फील करता हूँ मैं तो, कि वो न्यू एरिया है, ठीक है, अनएक्सप्लोर्ड जगह है, उसे एक्सप्लोर करें, देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये है कि ये पूरी की पूरी जो ट्यूब के नीचे का एरिया है, ये जो अच्छा ब्रिज, उस ब्रिज को इतने अच्छे से यूटिलाइज किया है। और अभी ट्यूब का शोर आ रहा होगा, ट्यूब जा रही है ऊपर से। और ये शायद से पावर स्टेशन की वो दिख रही है हमें, क्या बोलते हैं, चिमनी, और ऑफिसेज हैं नीचे। हाँ, पूरे ऊपर ऑफिसेज हैं ये ग्लास के, और ये क्यूट सा डॉगी जा रहा, क्यूट सा डॉगी। यहाँ से वो हमने ट्रेन दिखाई थी पहले आपको, तो वही। और ये देखो सोफा, फेक ग्रास का सोफा, ग्रास का सोफा। और हमें इतना ज़्यादा अमेजमेंट हो रही है कि हमें इस एरिया का पता ही नहीं था। ये सोच के थोड़ा और ज़्यादा एक्साइटिंग और
अम्यूजिंग लग रहा है, ऐसे कैसे पता ही नहीं था मुझे अभी तक, क्योंकि हम हमेशा हर जगह का पता रखते हैं, यहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इवन तो हम चाहे आके खाएं ना, बट घूमने फिरने हम ज़रूर आते हैं देखने कि क्या क्या नया है। ये है वो, ये पूरा रिवर साइड वॉक है आगे उधर पे, ये पावर स्टेशन है क्या? हाँ ये है, पुरानी बिल्डिंग। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये काम है काफी। स्काई भी इतना सुंदर, पूरा फेस्टिव हुआ भाई। और आज थर्सडे तो सारे लोग ड्रिंक्स के लिए आएंगे। हाँ थर्सडे, ये जैसे हम लोग फ्राइडे सेलिब्रेट करते हैं कि वीकेंड है, ये थर्सडे सेलिब्रेट करते हैं कि फ्राइडे, ठीक है फ्राइडे तो घर से काम कर सकते हैं, अभी तो खैर घर से ही चल रहा है, बट ये थर्सडे को फ्राइडे की तरह करते, पूरा पार्टी हाँ। करते और सब जाते हैं दोस्त वगैरह अपनी ड्रिंक्स रिंक्स के लिए हाँ। जाते हैं। उधर कुछ स्क्रीनिंग हो रही है शायद, चलो चलो वहाँ पे पौधों के बीच हेरिटेज ट्रेल है। ये ऐप डाउनलोड करो इन, और इसकी पूरी हिस्ट्री बताएंगे, ये लिखा हुआ हेरिटेज ट्रेल डाउनलोड, ऐप डाउनलोड करो अपने फ़ोन पे और पूरी हिस्ट्री जानो बेटर सी पावर स्टेशन की। ये अच्छा है यहाँ पे, ये चीज़ें बहुत करती है। और वहाँ दूर से वृंदा आती हुई आ जाओ आ जाओ आओ ये आ रही है अब यहाँ से। तो हम आ गए हैं सिनेमन किचन में, और ये देखो इनकी ओपन ही किचन है, यहाँ पे दिख रहा है सब वो क्या बना रहे हैं, और इंटीरियर्स काफी अच्छे हैं। और इसी के बिल्कुल साथ में गॉर्डन रामसे का भी रेस्टोरेंट है। कैसा लग रहा है यहाँ पे नितेश? मुझे तो अच्छा लग रहा है, इसी आप देख रहे हो खाली पड़ा है, इसी रीजन से मैं बोल रहा था कि हम थोड़ा लेट का करते हैं, बट वृंदा नहीं मानी कि नहीं थोड़ा जल्दी चलते हैं, तो लेकिन अच्छा है पूरा रेस्टोरेंट लग रहा है हमारे लिए बुक है। तो मैंने इसके बोला था जल्दी आने के लिए, ताकि हम लोग अपना कल के ऑफिस की भी तैयारी कर सकें। तैयारी क्या करनी, घर पे तो बैठना होता है बस, वृंदा को थोड़ा ज्यादा ही प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को मेंटली, हटना भी पड़ेगा। जल्दी आते हैं, पर मुझे अच्छा लग रहा है, रश हो जाता है। और आज ये देखो ट्रेन की आवाज आ रही है, क्योंकि हमारे ऊपर से जा रही है ट्रेन। और इसकी रूफ दिखाओ, रूफ बिल्कुल ऐसे है जैसे हम टनल यहाँ पे ऐसे ही करके रखते हैं, ज्यादा ना डेकोरेशन, मतलब मेरे को तो ऐसी लुक ज्यादा अच्छी लगती है, वैसे कोई डेकोरेशन ज्यादा नहीं और पूरा रस्टिक लुक आए ओरिजिनल, और वैसे इन्होंने पूरा बनाया हुआ है। और हमारे पास में म्यूजिक बज रहा है, हाँ काफी लाउड है, यहीं पे ही है स्पीकर तो। हाँ तो वृंदा की ड्रिंक आ गई है, क्या ऑर्डर किया था आपने? मैंगो पंच शरबत, मैंगो शरबत शरबत नहीं शरबत, कैसा है? अच्छा बहुत। इसमें एक मैंगो का स्लाइस भी दिख रहा है, कच्ची कैरी का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, मैंगो जितना मीठा नहीं है, खट्टा लगा है। तो इन्हीं अब बाकी स्टार्टर्स का वेट हो रहा है। तो वृंदा के स्टार्टर्स आ गए हैं, ये है भेल पापड़ी, और ये भेल पापड़ी चाट, और ये है चिली पनीर, इंडो चाइनीज चिली पनीर। सब खाना शुरू करें। नितिश कैसा लगा खाना अभी तक? जो स्टार्टर्स थे उनमें भेल पापड़ी थी वो तो अच्छी थी, उसका फ्लेवर अच्छा था, बट जो वो था इंडो चाइनीज चिली पनीर, आई थिंक वो स्पाइसी नहीं था इतना, तो इन लोगों के हिसाब से तो ठीक था, बट हमारा फ्लेवर थोड़ा स्पाइसी और होता है तो मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बट भेल पापड़ी अच्छी थी। और ये देखो वृंदा ने अब दूसरी ड्रिंक मंगवा ली है, बेरी ब्लास्ट, बेरी ब्लास्ट फ्यूजन समथिंग। और ये खाना आ गया दाल, चिकपीस और एसॉर्टेड ड्रिंक्स का। अब खाना शुरू करते हैं, काफी भूख लग रही है, अब रुका नहीं जा रहा, तो अब खाते हैं। हर बार जैसे ही खाना आता है नितेश बोलता है अब रुका नहीं जा रहा। तो नहीं रुका जाता, वैसे खाना देखते तो टूट पड़ो बस अब ठीक। और ये हमने मंगवाई मलाई मटका कुल्फी, और ये आया हैप्पी बर्थडे फॉर वृंदा, और ये पता नहीं क्यों परेशान बैठी हुई है, पंजाबी मलाई कुल्फी रॉयल, हाँ कुछ ऐसा नाम था, बट अब कट करो हैप्पी बर्थडे,
अपना छोटू केक विथ स्ट्रॉबेरीज एंड समथिंग क्रम्बल आई थिंक। खा के देखो और बताओ। हैप्पी बर्थडे। सो बर्थडे गर्ल, कैसा रहा आपका डे आज? बहुत अच्छा। लंच डिनर एंजॉय? दोनों एंजॉय, दोनों एंजॉय, सब कुछ एंजॉय। तो दोनों एंजॉय तो अच्छा हो गया बर्थडे स्पेंड, राइट? तो अच्छा है, अच्छा हो गया कम से कम बर्थडे स्पेंड। बाद में इतना स्पेंड करने के बाद बोले नहीं अभी नहीं, वो मजा नहीं आया। नहीं मजा तो आया। अब ये थक चुकी है, इसे ठंड लग रही है और अब इसे बेड की याद आ रही है। तो बस घर जाने की जल्दी है, अब हम निकलेंगे यहाँ से। आपको आप बताओ, हमारे साथ शेयर करो कि आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग आज का। आज हम दो व्लॉग बनाए हमने, ये वाला लंच वाला और ये अब डिनर वाला। तो डू कमेंट शेयर लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब। आप देख, हमें पता लग रहा है कि देख के भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं कुछ लोग, तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कीप ऑन शेयरिंग लव विद अस। कुछ कहना है एक्स्ट्रा? हाँ ना, ये तो आज अलग ही जोन में चल रही है, अलग ही मूड में चल रही है, इसका पता नहीं आज क्या है, ज्यादा ही खुश है। तो ओके, बाय बाय।